नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आज हमारे देश में तरह तरह के खबरें सामने आती है। कभी बच्चा चोरी की घटना सामने आती है तो कभी बच्चे को किडनैप करने यानी किडनैप होने की खबरें सामने आती हैं। ऐसे में अगर हम बात करें गोवंडी की, तो गोवंडी के बैगनवाड़ी रोड पद्मा नगर इलाके में एक 12 वर्षीय बच्ची को उसी के घर में रहने आए पति पत्नी ने किडनैप कर फरार हो गए। दरअसल 14 सितंबर को सबा नामक बच्ची को किडनैप किया गया। उसके बाद से बच्ची की मां शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मदद की गुहार लगाई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया, लेकिन पीड़िता बच्ची की मां का कहना है, गरीब हूं इसलिए पुलिस मेरी मदद जिस तरह से करना चाहिए वो नहीं कर रही है। बहरहाल किडनैप हुई बच्ची, जिसका नाम हमने पहले भी बताया है सबा है, सबा की माँ अपने बच्ची को ढूंढने के लिए दर बदर भटक रही है। एक बात हम आपको बता दें, किडनैप करने वाले कौन हैं? दरअसल 1 सितंबर को गोवंडी के पद्मा नगर इलाके में रहने वाले इम्तियाज बाबा नामक शख्स ने बाहर से आए पति पत्नी जिनका नाम रेशमा और नबीद है, इनको लेकर बच्ची की माँ रुबीना को बाहर से आए दोनों को अपने घर में रखने को कहा और बच्ची की माँ उसकी बातों में आ गई और दोनों को अपने ही घर में रख लिया। लेकिन दोनों की हरकतें देखकर बच्ची की माँ ने उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया, जिसका बदला लेने के लिए बच्ची को किडनैप कर फरार हो गए। इस पूरे मामले में प्रहार टाइम्स की रिपोर्टर सबिया हुसैन शेख ने पीड़ित माँ से क्या बातचीत की है, सुनिए। आपका प्रहार टाइम्स से, मैं सबिया हुसैन शेख, हम खड़े हैं गोवंडी के बैगनवाड़ी रोड नंबर 14 पद्मा नगर परिसर में। यहाँ पे 12 साल की जिस बच्ची का अपहरण हुआ है, वो बच्ची 5वीं क्लास में पढ़ती थी। उस बच्ची का नाम नूर सबा बताया जा रहा है। इसी बात पे उनकी अम्मी हमारे साथ मौजूद है। क्या पूरा मामला है, क्या पूरी जानकारी है, आइए नूर सबा की अम्मी से बात करते हैं। आपका नाम? रुबीना खातून शेख अनवर। क्या पूरी जानकारी देना चाहते हो आप? जी, मेरी बच्ची नूर सबा नाम की मेरी बेटी है, 12 साल की है, और इम्तियाज बाबा से मेरी दोस्ती पहचान थी। इम्तियाज बाबा एक औरत और एक आदमी को, दोनों मियाँ बीबी को मेरे घर पे ला के रख दिए। बोले आप, तुम दोनों के हेल्प होगा, तुम दोनों साथ में रहने दो अपने घर में तो अच्छा रहेगा, तुम्हें भी दिल लगेगा, अकेली रहती हो। तो मैंने उनको बोली कि ठीक है, रहने देती हूँ। दो हफ्ते के बाद जब मुझे मालूम पड़ा कि वो आदमी और वो औरत का अच्छा स्वभाव नहीं है, उनके कैरेक्टर ख़राब है, तो मैं उनको घर से निकाली बाहर। जब घर से बाहर निकाली तो उस वक्त मैं घर में थी और वो लोग बाहर जा चुके थे। तो मेरी बच्ची आके दौड़ के बोली मुझे, और नूर सबा की सहेली आके बोली कि जो मियाँ, मतलब तो आप बता रहे हैं आपके कहने के मुताबिक कि एक औरत और एक मर्द मेरे घर में रखा गया था इम्तियाज नाम के एक आदमी ने। तो वो आदमी, जो दोनों आदमी रहते थे, मर्द और एक औरत, वो मियाँ बीवी थे, और उन लोगों का क्या नाम था, आप पूरी जानकारी इस पे दीजिए हमको। रेशमा और नबीत, दोनों का नाम है। अच्छा, नबीत उनके आदमी का नाम है, औरत का नाम रेशमा है। दोनों का कैरेक्टर देख के मैंने उनको घर से निकाली दो हफ्ते के बाद। आई दोनों को इम्तियाज बाबा मेरे घर में ला के रखे थे, मजबूरी सुना के कि रख लो, बहुत मजबूर है, परेशान है, एक महीने की तो बात है। जब मैं देखी उनकी हरकतें, उनके व्यवहार सही नहीं है, तो मैं घर से बाहर निकाली। जब वो दोनों मियाँ बीवी आपकी बच्ची को उठा के ले जा रहे थे, तब आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? उस वक्त मैं घर में थी। अच्छा, और मेरी बच्ची बाहर खेल रही थी। तो उसके कुछ देर के बाद मेरी लड़की आके बोली, और उसकी सहेली बोली मेरी सबा की, कि आंटी और अम्मी देखो, सबा को ना वो औरत और वो आदमी रिक्शे में बैठा के लेके जा रहे। तो उसके बाद आपने क्या किया? घर से निकल के मैं भाग के आई, यहाँ वहाँ ढूंढी, कहीं नहीं दिखा, रिक्शा भी नहीं दिखा, और कुछ पता नहीं चला। उसके बाद जाके मैं रो धो के चौकी में, शिवाजी नगर माड़ा चौकी में गई और उनके खिलाफ कंप्लेन मारी। माड़ा चौकी वाले बोले ठीक है, हम देखते हैं, आप जाओ अभी इस वक्त घर पे। तो किस सीनियर पी आई ने आपके कंप्लेन लिए थे, या कोई पुलिस ऑफिसर की, क्या उनका नाम बता सकते हैं आप? जी बताइए। तारगे सर, PM साहब। तो उन लोगों ने इस बात पे पूरी कार्रवाई की है आपकी बच्ची को ढूंढने के लिए, या कोई भी ऐसा उन्होंने आके कुछ बताया आपको कि आपकी बच्ची कहाँ है, क्या है, कुछ बताए? जी हाँ, परसों के दिन जब मेरी लड़की फ़ोन करी कि मुझे बेंगलोर में ला के रखा गया है। तो वो कितने दिन के बाद फ़ोन करी आपकी बच्ची को, जब वो उठा के ले गए, आपने कंप्लेन किए, उसके कितने दिन के बाद आपकी बच्ची ने फोन की बात है? परसों ही की बात है, परसों फ़ोन करी मेरी लड़की कि मुझे बेंगलोर ला के रखा गया। तो ये बात मैंने जाके सर को बोली, सर ने बोले मुझे कि ठीक है, हम देखते, उसका नंबर चेक करते, नंबर चेक के उसका लोकेशन से बता रहा है। बता सकते हैं आपकी बच्ची ने फोन पे क्या बोली थी? मुझे बेंगलोर में ला के रखा गया है।
पूरा एड्रेस के साथ बता रही थी वो बच्ची आपको? पूरा एड्रेस नहीं बताया, बस इतना बोली कि मम्मी अभी तो मुझे घर में ताला मार के रखते हैं लेकिन मुझे बाहर तो निकलने नहीं देते, तो मैं कैसा पूरा कन्फर्म दूँ आपको। उस वक्त औरत मेरी बच्ची के हाथ से मोबाइल छीन ली और उसको बात करने नहीं दी और नंबर काट दी। तो ये बात आपने पुलिस वालों को बताई, तो पुलिस वाले ने इस पर क्या कहा? मैंने कामरे सर को बोली, कामरे सर को जाइए आप बेंगलोर में ढूंढिए, उसका लोकेशन जब बता रहे और मेरी बच्ची बोल रही कि बेंगलोर में है, तो कामरे सर बोलते हैं कि अरे बेंगलोर तो बहुत बड़ा है, बेंगलोर में हम किधर ढूंढेगा तुम्हारी बच्ची को, हाँ तुम बेंगलोर में एरिया का नाम बताओ, मोहल्ले का एड्रेस बता दो तो फिर हम जाएगा डायरेक्ट पकड़ेगा। तो मैं बोली अगर एरिया का पता अगर मुझे होता तो मैं खुद चले जाती, ये आपका फ़र्ज है, आपका ढूंढना आपका काम है, मेरी लड़की को 20 दिन हो रहा है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसे में एक माँ या तो पागल हो सकती या तो जल के कट के मर सकती है, आप मेरा केस क्यों नहीं ले रहे, क्या मैं गरीब हूँ इसके लिए मेरा? आपको जब पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेंट की है तो उसकी FIR कॉपी दिए थे आपको, आप बता सकते हो? ओरिजिनल पेपर उन्होंने अपने पास रखे और मुझे जीरोक्स दिया गया। ये मेरी बेटी है, नूर साबा है, 12 साल की बच्ची है, 20 दिन हो गया अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, पुलिस वाले ढूंढ के ला के दे नहीं रहे। तो सुना आपने किस तरह से पुलिस वालों की कार्रवाई करने का तरीका, और एक 12 साल की बच्ची का अपहरण होके 20 दिन हो गए, ना तो पुलिस वाले पूरी तरीके से ढूंढने में इसमें कामयाब हो पा रही है, ना ही उसकी माँ को बताया जा रहा है कि किस जगह पे उनकी बच्ची को किडनैप करके ले जाया गया है। माँ परेशान है लेकिन पुलिस वाले उसी माँ को परेशान और कर रहे हैं। तो आपने सुना पीड़ित माँ ने क्या कहा, किस तरह से अपना दुख दर्द बयान किया, जिसको बेसहारा समझकर अपने घर में जगह दी और वही लोग बच्ची को किडनैप कर फरार हो गए। 6 अक्टूबर को बच्ची की माँ को फोन आया, मैं सबा बोल रही हूँ, मुझे बचा लो, मुझे एक रूम में बंद करके रखा गया है। उसके बाद फोन बंद हो गया। इस बात की जानकारी फौरन रुबीना ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन को दी, जहाँ उस फोन का लोकेशन बेंगलोर निकला। इस पर रुबीना ने पुलिस वालों से बच्ची को वहां से तलाशने को कहा, मगर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के क्राइम PI कामले ने उसी से पता बताने को कहा, उसी से पता पूछने को कहा। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।